जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। दोस्तों आज का जो वीडियो है स्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से डर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कईयों के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें बहुत सारी गलतियां हो रखी है, मतलब राशन कार्ड में, आधार कार्ड में या टेंथ की मार्कशीट में। कईयों की टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट में भी अलग अलग नाम है, जैसे फादर्स नेम अलग है, कईयों के सरनेम अलग हो रखे हैं। जैसे अगर किसी का सरनेम ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट में सरनेम है, टेंथ की में है ही नहीं, या टेंथ की में सरनेम है ट्वेल्थ क्लास की में है ही नहीं, या आधार कार्ड में सरनेम नहीं है। कईयों के जो पीछे का जो मदर्स के नेम है उसमें देवी की जगह कईयों के देवी नहीं है, कईयों के ओनली फर्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड नहीं है। और वो अभी बहुत सारे डर रहे हैं कि अब हमको वेरिफिकेशन में क्या होगा। कईयों की जो टेंथ क्लास की मार्कशीट है जब फॉर्म भरा था तब उसमें रोल नंबर लिखने में मिस्टेक हो रखी है। ऐसे बहुत कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई बोल रहा है ये मिस्टेक है, कोई बोल रहा है ये मिस्टेक है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित बना रहा हूं मैं, तो फिर आपको ये वीडियो देखिए, आपको फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। कि आपको किस किस में मिस्टेक है तब आपको डरने की ज़रूरत है दोस्तों। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, कई लोग पुलिस वेरिफिकेशन से भी डर रहे हैं, तो मैंने पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी डिटेल का एक वीडियो बनाया है, वो आप नीचे लिंक दे दूंगा मैं, जाके देखिए। आपकी सैलरी से संबंधित कि पैरामिलिट्री फोर्स में क्या क्या सैलरी मिलती है उससे संबंधित भी बनाया है, और सबसे अच्छी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, वो आप उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ जाके देखिए। और भी अगर किसी को मेरे वीडियो बनाने के बाद में अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उधर मेरे को मैसेज कर सकता है, उसको मैं उधर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे दोस्तों, कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिस्टेक होने पर आपको डरने की ज़रूरत है और क्या क्या मिस्टेक नहीं होने पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं जो मार्कशीट्स हैं उससे। कईयों के ये प्रॉब्लम है जो टेंथ क्लास की मार्कशीट और ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट है उसमें जो फादर्स नेम है या मदर्स नेम है उनके सरनेम में बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, कि उनके सरनेम सेम नहीं है दोस्तों। किसी के सरनेम है ही नहीं, टेंथ में है ट्वेल्थ में नहीं है। किसी के मतलब टेंथ में सरनेम है, मदर का सरनेम है, ट्वेल्थ में मदर का नहीं है, किसी के फादर का नहीं है। तो ऐसा दोस्तों, तो मैं बता दूँ दोस्तों कि आप SSC GD के थ्रू टेंथ क्लास पास से लग रहे हो, तो उसमें आपकी जो टेंथ क्लास की मार्कशीट है उसमें जो नाम है वो महत्व रखता है। ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट में आपके फादर का क्या नाम है, आपकी मदर का क्या नाम है, उसका पीछे सरनेम है या नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, ठीक है। अगर उसमें मिस्टेक हो रखी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टेंथ क्लास पास से लग रहे हो दोस्तों। और अगर आप टेंथ क्लास पास से लग रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि टेंथ क्लास की जो मार्कशीट है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब कई बोलते हैं, कईयों को मेरे को मैसेज आ रखे हैं कि सर हमारे जो मदर का नाम है या फादर का नाम है उनका आधार कार्ड में अलग है, इससे हमारे को क्या प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों इससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा है कि आधार कार्ड का नाम अभी आप चेंज करा लो। प्रॉब्लम क्या होगी मैं बता देता हूँ। जब आप जैसे बैंक अकाउंट है उसमें नाम अलग रहेगा, आधार कार्ड में अलग रहेगा, और आपकी टेंथ क्लास की मार्कशीट में अलग रहेगा। अब इन तीन डॉक्यूमेंट्स में दो में मैच करा है, एक में नहीं करा है, तो उस समय आपके नॉमिनी फॉर्म भरे जाएंगे, उनमें प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। आपको आगे चल के जब हेल्थ कार्ड बनेंगे आपकी फैमिली के, आपके परिवार के जो लोग आप पे डिपेंडेंट बनते हैं उनके डिपेंडेंट कार्ड बनेंगे, तो उस समय आपको भी प्रॉब्लम रहेगी कि मैं किस नाम से उनका डिपेंडेंट कार्ड बनाऊँ, सरनेम लगा के बनाऊँ या बिना सरनेम के बनाऊँ, या उनका हेल्थ कार्ड बनेगा वो किस नेम से बनेगा। अगर मान लो खुदा ना खासा उनका कोई हॉस्पिटल जैसी जाना पड़े तो वहाँ पर हेल्थ कार्ड में कौन सा नाम लिखाओगे। तो इससे अच्छा है अगर आपकी जो टेंथ क्लास की मार्कशीट है उसको आप मेन प्रूफ मानिए। टेंथ क्लास की मार्कशीट में जो जो नाम है आपके फादर मदर का, उसके अकॉर्डिंग जो जो नाम चेंज हो सकते हैं आप उनको चेंज करा लीजिए दोस्तों। अगर आपके आधार कार्ड में चेंज हो सकता है, आप सभी को पता है आधार कार्ड में नाम इजीली चेंज हो जाता है, अभी सरनेम मरनेम की कोई प्रॉब्लम है तो आप चेंज करा सकते हो। साथ में आपको अगर राशन कार्ड है या उनके माता पिता की कुछ आईडी जैसे उनमें चेंज नहीं हो रहा तो उनमें चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेन आधार कार्ड हो गया उसमें चेंज हो सकता है, परिचय पत्र में चेंज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो परिचय पत्र की आपको जरूरत चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर ट्वेल्थ में चेंज है तो आपको उसकी टेंशन लेने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। साथ में बता दूं कि जो जन्म डेट है आपकी वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए ट्वेल्थ क्लास टेंथ क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अगर उसमें किसी के मिस्टेक है तो उसको डरने की ज़रूरत है। जो टेंथ क्लास की मार्कशीट है दोस्तों उसमें जो जन्म डेट है आप उसी के अकॉर्डिंग और ज्वाइन कर रहे हो, उसमें कोई भी मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए। टेंथ क्लास की जो मार्कशीट में जो जन्म डेट है वो एज इट इज़ होनी चाहिए, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में वही जन्म दिनांक होनी चाहिए दोस्तों, जो आपके टेंथ क्लास की मार्कशीट में, आपके आधार कार्ड में भी वही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो चेंज करा लीजिए दोस्तों। आपके
ट्वेल्थ में मार्कशीट में भी वही होनी चाहिए, लेकिन ट्वेल्थ की मार्कशीट का आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगाओ नहीं तो मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप टेंथ क्लास पास की मार्कशीट से ये ज्वाइन कर रहे हो, तो क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी है वो टेंथ क्लास है दोस्तों, तो टेंथ क्लास से आप लग रहे हो तो ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट का छोड़िए, लेकिन आपका आधार कार्ड हो गया उसमें वही होना चाहिए, आपका जो टेंथ क्लास की मार्कशीट में जो नाम हो वही आपके बैंक अकाउंट का नाम होना चाहिए। कई दोस्त ये भी बोल रहे हैं कि सर हमको बैंक अकाउंट लिंक करके लाना है क्या, या फैमिली के साथ अटैच करके लाना है क्या, तो दोस्तों अभी आपको ऐसी कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल अपना वैसे तो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आएंगे कि आपको SBI का बैंक अकाउंट चाहिए। कई ये भी बोलते हैं सर आपको वहाँ के भी तो बैंक अकाउंट खुलवाते ना, हाँ अगर आपका नहीं बना तो यहाँ डिपार्टमेंट जब जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी जिस ग्रुप सेंटर में वहाँ आपका अकाउंट खुला दिया जाएगा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा घाटा होगा दोस्तों आपको। घाटा क्या होगा, क्योंकि आपकी जो नज़दीकी शाखा है, जैसे आप जिस गांव में जिस सिटी में रहते हो वहाँ की जो अगर बैंक की शाखा में आपका अकाउंट होता है तो मतलब आप जब भी छुट्टी जाते हो उस शाखा से संबंधित आपका कोई भी काम होता है, जैसे जॉइंट अकाउंट कराना है या उसको पैरामिलिट्री फोर्स के अकाउंट में कन्वर्ट कराना है PMSP में, और भी जैसे PPFG अकाउंट आपको करना है या ऐसे कोई भी सुविधा है, तो आपके मतलब गाँव के नज़दीक में अगर आपका अकाउंट है मेन तो उसमें आसानी से कर सकते हो। अब जहाँ ग्रुप सेंटर खुलेगा फिर आप अपने गांव से उस ग्रुप सेंटर वाली बैंक में जाओगे, फिर वहाँ से वो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा आपको जहाँ आपके रहने वाले वहाँ पर, तो थोड़ी सी आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है जब लिखा हुआ आए उसमें ज्वाइनिंग लेटर में पक्का लिखा हुआ आएगा कौन सी बैंक का खुलवाना है, उस बैंक में आप अकाउंट खुलवाना है, अगर आपका है तो खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कई बोल रहे हैं कि मेरे भाई के साथ में अटैच है तो वो नहीं चलेगा, आपको पर्सनल खुलवाना है। अगर बाद में ट्रेनिंग के बाद में आपको फिर जॉइंट अकाउंट करवाने के लिए बोला जाएगा, फिर आप फैमिली मेंबर जैसे जिसकी शादी हो रखी है वो अपनी वाइफ के साथ, जिसकी नहीं हो रखी है वो मदर या फादर के साथ अपना जॉइंट अकाउंट करवा सकते हैं दोस्तों। अब दूसरी बात आते हैं दोस्तों मूल निवास। मूल निवास आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, मूल निवास में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मूल निवास बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें जो नाम है वो आपकी टेंथ क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए दोस्तों। मूल निवास में अगर प्रॉब्लम पाई गई तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है दोस्तों, इसलिए मूल निवास बनाते समय ध्यान रखना मूल निवास का नाम और टेंथ क्लास की मार्कशीट का नाम सेम होना चाहिए दोस्तों, तो उसमें आपकी अगर प्रॉब्लम है तो आप सुधार लीजिए, अगर अभी सुधार लीजिए क्योंकि ज्वाइनिंग आने के आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके एक महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग आ जाएगी दोस्तों, तो अगर अभी कर सकते हो तो आप अभी जो ये नाम है वो चेंज कर सकते हो। मेन चीज़ है कि टेंथ क्लास की मार्कशीट में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब कई भाइयों ने मेरे को ये बोला कि सर जो टेंथ क्लास की जो मार्कशीट थी वो मैंने गलत मतलब उसमें रोल नंबर की मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी एक बार की, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है लेकिन आप अगर ओरिजिनल में आपके परसेंटेज या मार्कशीट आपकी वो सही है तो वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपका वापस चेक हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा दोस्तों, उसमें आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो आप वहाँ जाके एप्लीकेशन देके वो चेंज करा सकते हो। अब कईयों ने बोले कि सर दोस्त एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास में कि हम जैसे पैरामिलिट्री ज्वाइन कर ले ज्वाइनिंग के टाइम हमारा कोई दूसरा जॉब लग जाए तो क्या हम छोड़ करा सकते हैं ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के टाइम, तो दोस्तों छोड़ सकते हो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका लग जाता है आपकी दूसरी किसी जॉब में अच्छी जॉब में अगर नंबर आ जाता है और आपको इधर से छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, उसका एक नॉर्मली प्रोसेस होता है। अगर आपका अपर पे ग्रेड में ज्वाइन होता है तो आपके थोड़ा सा चार्ज कम लगता है, और सेम पे ग्रेड में आते हो थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगता है, लेकिन आप छोड़ सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप कितने दिन ट्रेनिंग करते हो उसके अनुसार ट्रेनिंग का चार्ज आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है दोस्तों। तो टेंथ क्लास की मार्कशीट हो गई दोस्तों, मूल निवास हो गया दोस्तों, जो OBC का जो आपका OBC ST SC ST इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके आपका नाम उनमें करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, साथ में आपका फादर का नेम जो टेंथ क्लास की मार्कशीट में उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, फिर आप बार बार किस किस चीज़ का एग्रीमेंट वहाँ लिखाते रहोगे, आपको आगे जाके फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इससे अच्छा है जो माता पिता की जो ID लगती है तो वो ID लगाइए, आधार कार्ड मेन ID है तो उसमें वो चेंज करा लीजिए, आपकी टेंथ क्लास की मार्कशीट में जो अपने माता पिता का नाम है वो नाम उनमें करा लीजिए, वही आपके कास्ट सर्टिफिकेट में होना चाहिए, वो मूल निवास में होना चाहिए, वो टेंथ क्लास की मार्कशीट में होना चाहिए दोस्तों। साथ में आपकी जो आधार कार्ड है उसमें वही नाम होना चाहिए, आपकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी वही नाम होना, अगर आपके ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट में नाम डिफरेंट है तो आप वहाँ उसको जमा ही ना करें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जमा भी कराओगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर और कोई आपको प्रॉब्लम है
तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना। इससे संबंधित और क्या जानकारी चाहिए आपको, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा दोस्तों।